गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्त, क्योंकि आज के एपिसोड में आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ देखोगे कि सही तो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होने वाला है, यहाँ डॉक्टर आएंगे, बोलेंगे साइन चाहिए किसका, पति का, मतलब आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मतलब उतना वेट नहीं कर पाएंगे, जल्दी कीजिए, ठीक है। और यहाँ हर चीज दिव्यानी, यहाँ पे बोल सकते जो दिव्यानी है या घर की जो बेटी है वो सम्राट को क्लियर बोल देता है ये विराट अली घटिया औरत के कारण हुआ है, क्योंकि उसको हमेशा उसको बाकी को घटिया वो बोलता है, बोलती है, बोलता नहीं है, बोलती है, ठीक है, क्योंकि मैं विराट को बोल रहा था तब ये मुझे रोक दी थी बोलने के लिए। सम्राट को तो पता ही है बाकी क्या है, क्या कांड करती है, उसको सब समझ में आता है, तो वो भड़क जाती है दिव्यानी, क्योंकि वो सच्चाई सामने आती है, तो तुम चुप रहो, तुम्हें तो कौन से होना चाहिए कि अभी चुप होना चाहिए कि हॉस्पिटल ही है, घर नहीं है। इसके साथ साथ बोलता है यहाँ क्या होता है, विराट का होता है एंट्री, और विराट को कॉलेज वाले बनता है रोक देते, बोला आप एक घटिया इंसान हो, आप नाम के एक सीपीओ सही के लाइफ के लिए आप जिस इंसान नहीं होते, ये नहीं होते, बहुत सारी बातें बोलते हैं। लेकिन जिस डॉक्टर आते हैं साइन करवाते हैं तो बोलते हैं कि सही को बचाना 50% है और 50% नहीं है, तो वो मर भी सकती है और बच भी सकती है, वो ऊपर वाले जाने 50-50 है, तो ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे दिव्यानी से विराट को बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत घटिया हो तुम्हारे साथ मेरा हमेशा रिश्ता खत्म करती होती, तो यहाँ पे पुलकित को विराट बोलता है सम्राट बोल रहा है दिव्यानी को घर भेजाओ, नहीं तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगा, वो सनी छोड़ देता है। अब क्या हुआ यहाँ पे, विराट क्या है, विराट को समझाते हैं जब तुम दोनों अलग होते कुछ ना कुछ होते रहता है, तो ये सीन उसको याद रहता है कि जब भी अलग होता है तो विराट को गोली लग गया था, फिर सही को एक्सीडेंट हो गया था, ये सब सीन याद करते हैं, ठीक है। तो बैठ के रोने लगता है, तो वहां पे भी पत्र लेकर उंगली करने आते हैं, तो बोलते तुम प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान की सही को ठीक कर दो, रिक्वेस्ट जो करा वो विराट समझ जाता है, विराट के साथ होते सम्राट देखता है कि माफी मांग रहा है, छोड़ दो मुझे पत्रलेखा को, लेकिन पत्रलेखा उसको तुम सही विराट तुम ऐसे नहीं करो विराट तुम, यह देख लेता है तो उसको सुना देता है, बड़ा अच्छा रिश्ता है, जब सही कर कुछ मतलब जब तुम रोते हो तब विराट आ जाता है, जब विराट आते हैं तो तुम रोते हो, सही है हम तो उल्लू है ना, ये सुन समझ जाता है, ठीक है। ये है आज के एपिसोड, कौन सा गुफा किसी के पैर में, देखने ना भूले दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।